अगली खबर का रुख कर लेंगे। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जो है शहरी क्षेत्रों में क्षमता का अध्ययन होगा। शिमला से आपदा प्रबंधन विभाग ने सबक लिया है, मानसून के बाद से यह सर्वे का कार्य होगा। तो आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों की क्षमता का अध्ययन अब होगा। शिमला में जो आपदा हुई थी, आपदा प्रबंध विभाग ने इससे सबक लिया है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, लगातार देखा जाता है उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पर लगातार पर्यटकों की पर्यटकों का आवागमन भी रहता है, और ऐसे में कई जगह ऐसी है जहां पर क्षमता से अधिक लोग हो जाते हैं कई बार, विशेषकर हम चार धाम की अगर बात करें। मगर अब बताया जा रहा है कि अब शहरी क्षेत्रों में खासतौर पर क्षमता का अध्ययन होगा। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय प्रदेश है, और जैसा कि आप स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि कई बार बड़ी तादाद में जो है वो, चाहे वो तीर्थ यात्री हो चाहे वो सामान्य पर्यटक हो, वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले ही सरकार ने कई फैसले भी लिए हैं। जो विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम है, सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब है, इन सभी स्थानों पर एक सीमित संख्या में एक समय में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे, ये व्यवस्था भी सरकार ने की हुई है। और अगर हम शहरों की बात करें तो जो शहरी क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्रों के शहरी इलाके हैं, इन क्षेत्रों की धारण क्षमता क्या होनी चाहिए, अब विभागीय अधिकारी जो है वो इसका अध्ययन करेंगे। और इसके लिए जो विशेषज्ञ समिति है, जो विशेषज्ञ है, उनकी सिक्वेंस बनाई जाएगी और उसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, और टेंडर वाली जो प्रक्रिया होगी वो भी आगे होगी। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन जो विभाग है, इसका जो उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण जो प्रबंधन केंद्र है, वो इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है, पहले चरण में 15 उत्तराखंड के ऐसे शहर हैं जिसमें मसूरी है, नैनीताल है, पौड़ी है, कर्णप्रयाग है, नई टिहरी, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ की धारण क्षमता का विशेषज्ञ जो है वो अध्ययन करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो है मानसून सीजन के दौरान जिस तरह के हालात अभी हम देख रहे हैं, तमाम इमारतें, तमाम भवन जो है वो पानी की तेज जलधारा में समाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मोटर मार्ग जो है वो नदी की तेज जलधारा के साथ बह जाते हैं, और राज्य सरकार को काफी आर्थिक नुकसान होता है, राज्य संपत्ति का जब नुकसान होता है। तो ये कोशिश की जाएगी आने वाले समय में कि धारण क्षमता का अध्ययन कराया जाए, और आने वाले समय में मानसून सीजन के दौरान इस तरीके के नुकसान को कम से कम किया जा सके। बिल्कुल सुनोरी, काफी ज्यादा जरूरी भी हो जाता है क्योंकि लगातार जो है इस प्रकार की सतर्कता होनी चाहिए। जब क्षमता का आकलन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सतर्कता भी आ जाएगी, फिर क्षमता के हिसाब से पर्यटन यहाँ पर आएंगे या क्षमता के हिसाब से ही यहाँ पर काम होगा, जिससे जो है हमें आपदा जैसी स्थिति देखने को ना मिले। अगर ऐसी होती भी है स्थिति तो कंट्रोल में वो स्थिति हम कर सकते हैं, तो उसको लेकर काफी अच्छा कदम है ये। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें, खबर आपको बताई देहरादून से, जहां अब शहरी क्षेत्रों में क्षमता का अध्ययन होगा।